हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बर्ड केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। जैसा कि आप देख रही हैं, एक नया मेहमान हमारे शेड पे आ चुका है और ये एक कॉकरेल का पेड़ है। ये फीमेल है और ये साहब मेल है। ये नए मेहमान आए हैं, इनको मुझे यहाँ छोड़े हुए 3 दिन हो चुके हैं, तो आज हम इसको कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे और आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। होप सो आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगेगी। आज का ये टॉपिक है, इस बारे में बड़े कम लोगों ने बात की है, तो जब हम इसको यहाँ से सिंगल केज से बजरी कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से बर्ड एक साथ रह सकते हैं, तो होप सो आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी। जी प्यारे भाइयों, उस पेड़ को हम इस कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे। ये बजरी की कॉलोनी है जैसा कि आपको पता है, इससे हम इसे शिफ्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो बजरी और कॉकटेल क्या साथ रह सकते हैं और क्या वो ब्रीड करेंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी बजरी की कॉलोनी है, इसके पास मेरे पास ये जो बर्ड हैं कितने सेमी टेम हैं, ऑटोमेटिकली हाथ पे बैठ के खाना खाते हैं और बड़े प्यार से इन्हें उड़ाएँ भी तो फिर ये वापस आ जाते हैं। यहाँ पे वो एंड पे मटकी के ऊपर मैंने जगह बनाई है, वहाँ पे मैं इसकी बड़ी मटकी लगाऊंगा कॉकटेल की और जब उसको यहाँ शिफ्ट करूँगा आप फिर आपको बताऊँगा कि कॉकटेल यहाँ में शिफ्ट कर दी है। आप फिर देखेंगे कि कॉकटेल की इस कॉलोनी में एक्टिविटी कैसी है और वो बजरी के साथ कॉलोनी किस तरह रहते हैं। आपको आज ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से बर्ड एक साथ रह सकते हैं। ये बजरी की जो कॉलोनी है इसमें TCB भी हैं, आपको मेरी अक्सर वीडियो में ये बर्ड्स आपको देखने को मिलते होंगे, तो ये बड़े मेरे से यूज्ड टू हैं, मेरे साथ बड़े प्यार से मेरे हाथ बैठ के दाना पानी खाते हैं, ये इन्हें किसी तरह की टेंशन नहीं होती। तो अभी हम कॉकटेल को इसमें शिफ्ट करेंगे और दिखाएंगे कि कॉकटेल यहाँ पे किस तरह रहता है। जी प्यारे भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉकटेल को पकड़ के आज हम शिफ्ट करेंगे कॉलोनी में और ये मेरे साहबजादे साहब हैं जो कॉकटेल पकड़ रहे हैं और इन्हें कॉकटेल पकड़ लिया है। अब इसको हम कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे। हमने कॉकटेल को कॉलोनी में छोड़ दिया है। कॉकटेल को कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया है। एक पीस ये नीचे बैठा हुआ है और फीमेल और मेल ये ऊपर बैठा हुआ है स्टिक के पास। हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया कॉकटेल को कॉलोनी के अंदर और इनकी एक्टिविटी देखेंगे कि ये किस तरह यहाँ रहते हैं और बजरी के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। ऐसे कॉकटेल और बजरी एक साथ रह सकता है। ये कॉकटेल का वाहिद ऐसा बर्ड है जो किसी भी बर्ड के साथ रह सकता है, जो ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले बर्ड ना हो, जिसमें आपको पता होगा कि कॉकटेल ऑस्ट्रेलियन के साथ, जावा फिंच और उसके अलावा क्रेनरी और स्पैरो सब के साथ जावा कॉकटेल रह सकता है। कॉकटेल रिंग नेक और लव बर्ड के साथ नहीं रह सकता। और बाद का देखने में ये भी आया है कि जब कॉकटेल ब्रीड करता है तो वो बजरी के साथ भी ब्रीड कर देता है, एक ही मटकी में कॉकटेल के साथ बजरी भी ब्रीड कर देता है। लेकिन जब बजरी अग्रेसिव फीमेल हुई होती है और उसका कोई मटकी ना मिल रही हो, मटकियाँ कम हो, तो वो कॉकटेल को मारती हैं। बजरी हाँ, बजरी कॉकटेल को मारती हैं। ऑस्ट्रेलियन तोते कॉकटेल को मारते हैं। एक बार ये हुआ था कि मेरे एक दोस्त के पास एक पेयर कॉकटेल का था, उसने बजरी के साथ छुड़ा हुआ था, तो उसमें फीमेल्स की तादाद जो बजरी की फीमेल के साथ ज़्यादा थी, मेल की तादाद कम थी और मटकियाँ थोड़ी कम लगी हुई थी, तो उसमें हुआ क्या कि एक फीमेल जब ले पे आई तो कॉकटेल ने अंडे दिए हुए थे, बच्चे निकाले हुए थे, तो उसने मटकी में घुस के कॉकटेल की कॉकटेल को मारा,
कॉकटेल की फीमेल को मारा, इवन के बच्चों को भी जख्मी कर दिया। तो कॉकटेल ऐसा सेंसिटिव और प्यारा बर्ड है, शरीफ सा बर्ड है, जो लड़ाई झगड़े नहीं करता। कॉकटेल जावा स्पैरो के साथ, आपके साथ डब के साथ रह सकता है बड़े प्यार से, बजरी के साथ भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं इसको होगी। और ऑलरेडी आपको पता है जैसा कि इस कॉलोनी में बहुत सारी मटकियाँ लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा मटकियाँ हैं, और कॉकटेल की मटकी या बॉक्स बजरी की मटकी बॉक्स से बड़ा होता है। तो हम इसको आज बॉक्स भी लगा देंगे, एक बड़ा घड़ा मैंने साफ कर दिया है तो उसको आज लगा देंगे इसके साथ अंदर, और इंशाल्लाह ये अब रीड करेगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। आज तो अभी तो मैं नहीं, शाम में इसको लगाऊंगा बॉक्स को, एक मटकी का इसके अंदर, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। इसके अलावा आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि लव बर्ड के साथ कौन सा बर्ड रह सकता है, क्या लव बर्ड के साथ कोई बजरी कॉकटेल या बाकी बर्ड रह सकते हैं, नहीं जा सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। तो अभी शाम में आपको, जब शाम होगी तो आपको दिखाएंगे इसमें मटकी लगाते हुए कॉकटेल की, तो साथ रहिएगा। ये प्यारे भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने कॉकटेल की मटकी लगा छोड़ी है, इसको साफ करके अच्छी तरह इसको मैंने लगा दिया है। अब इसके अंदर मैं कोपेक्स पाउडर और बुरादा डालूँगा, तो दिखाता हूँ आपको कैसे डालते हैं, कितना डालते हैं, कितना डालते हैं, साथ रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बुरादा और मटकी में मैंने डालना है, तो अभी आपको दिखाता हूँ कितना बुरादा डालते हैं मटकी के अंदर, और उसके बाद क्या करेंगे आपको वो भी डाल देते हैं। मटकी मैंने लगा छोड़ी है और बुरादा मैंने इसके अंदर डाल रहा हूँ, ज़्यादा हिलना नहीं है। उसके बाद कुपेक्स पाउडर छिड़ देना है उसके ऊपर, अंदर से भी ऊपर से भी, और जैसे भी कुपेक्स पाउडर का छिड़काव कर देना है ताकि जो कीड़े मकोड़े हों तो वो दूर हो जाएं। उसके बाद थोड़ा सा बुरादा अगर आपके पास है तो और डाल दें, ऊपर ढक्कन लगा दें,